नमस्कार। आज फिर हम और आप और एक नई रेसिपी। और आज की मेरी रेसिपी है फ्रेश कोकोनट के लड्डू। आज की रेसिपी में हम कोकोनट का यूज कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा कोकोनट के बारे में भी जान लीजिए। कोकोनट शब्द कोको वर्ड से बना है, जो एक पोर्तुगीज वर्ड है जिसका अर्थ होता है हेड या स्कल। एक्चुअली आपने ध्यान दिया होगा कि कोकोनट के शेल के ऊपर तीन निशान होते हैं जो काफी कुछ ह्यूमन फीचर्स से मिलते हैं, इसीलिए इसे स्कल कहा जाता है। कोकोनट को कई रूपों में हम यूज करते हैं, जैसे हम कोकोनट मिल्क का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी रेसिपीज में, कोकोनट ऑयल को भी कुकिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ बॉडी पर अप्लाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। कोकोनट वाटर का उपयोग भी बेवरेजेस वगैरह में किया जाता है और कोकोनट फ्लैश उसका उपयोग तो हम मिठाइयों में बहुत अधिक करते हैं, जैसे कि आज कर रहे हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ। नारियल को हमने शेल से बाहर निकाल लिया है, अब इसे हम ग्रेट करेंगे। ये दो बाउल भरकर मैंने फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करके लिया है। ये पूरे एक कोकोनट को मैंने ग्रेट किया है। ग्रेटेड कोकोनट हमने दो बाउल भर के लिया है, तो दो बाउल ही हमें मिल्क भी चाहिए। अब इससे जस्ट हाफ हमें फ्रेश मलाई चाहिए, इसकी जगह आप खोए का यूज भी कर सकती हैं। और हाफ ही मैंने चीनी ली है, यानी दो बाउल कोकोनट में मैंने एक बाउल चीनी ली है। चीनी की मात्रा आप अपनी इच्छा अनुसार घटा और बढ़ा सकती हैं। और इसी के साथ थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने पीस के लिया है। अब मैंने गैस पर पैन को चढ़ाकर उस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें ये दो बाउल कोकोनट डाल देंगे। और इसमें ये दो बाउल भर के ही जो हमने मिल्क लिया है वो डाल देंगे। अब हम इसे पकाएंगे। दूध काफी रिड्यूस हो गया है और कोकोनट भी काफी हद तक पक गया है। अब हम मलाई भी डाल देंगे। मलाई फ्रेश ही लीजिए, आप चाहें तो मलाई के स्थान पर मावा भी डाल सकती हैं, पर मावे को भूनना नहीं है, बिना भुना मावा ही डालना है। मलाई डालने के बाद देखिए बहुत ही सुंदर कलर आ गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, लेकिन यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि चीनी के स्थान पर आप गुड़ भी डाल सकते हैं और गुड़ का भी इक्वली गुड फ्लेवर आता है। कई बार तो लोगों को गुड़ के लड्डू ज़्यादा पसंद आते हैं, तो अब ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आप क्या यूज़ करते हैं। चीनी ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, अब इसे हम थोड़ा और भूनेंगे। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे और साथ ही साथ ये कटी हुई बादाम भी हम डाल देंगे। अब ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। हम चाहें तो इनकी बर्फी भी बना सकते हैं, हम चाहें तो इनके लड्डू बना सकते हैं और हम चाहें तो इन्हें ऐसे भी सर्व कर सकते हैं जैसे हम गाजर का हलवा सर्व करते हैं। तो ये भी आपकी इच्छा पर मैं छोड़ देती हूँ। मैं तो बच्चों की फरमाइश पर आज लड्डू ही बनाऊंगी। अब हमारे फ्रेश नारियल के लड्डू तैयार हैं। अब आप भी इसे जल्दी से बनाइए और सबको खिलाइए। और यदि सबको पसंद आते हैं ना, तो प्लीज मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए